तो दोस्तों यह है Realme 13 Plus 5G जो कि 22,000 बजट रेंज पर एक बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन लेकर आ रहा है Realme अपने 13 सीरीज के अंदर। गाइस फाइनली दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है, ये स्मार्टफोन पर जो है आप जो है 90 FPS तक की VGMI खेले, चाहे आप कॉल ऑफ ड्यूटी खेले, चाहे फ्री फायर खेले, तो आप 90 FPS तक की गेमिंग स्मार्टफोन से कर सकते हैं। अच्छा खासा वीडियोग्राफी 4K में वीडियोग्राफी कर सकते हैं, अच्छा खासा फोटोग्राफी कर सकते हैं। फास्ट चार्जर के साथ एक बड़ा बैटरी भी देखने को मिल जाता है गाइस यहाँ पर, और भी काफी सारे फीचर्स जो है स्मार्टफोन के अंदर हमें देखने जाता है जो कि रियली में गाइस ये एक वैल्यू फॉर मनी सबूत हो जाता है। तो चलिए फटाक से करते हैं बॉक्स को अनबॉक्सिंग, आपको दिखाते हैं कि बॉक्स कंटेनर में क्या कुछ देखने को मिल जाता है। तो वीडियो को आप फटाक से आप वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, चैनल को पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो जल्दी से हम करते हैं बॉक्स को अनबॉक्सिंग और आपको दिखाते हैं कि बॉक्स कंटेनर में क्या कुछ देखने को मिल जाता है। यहाँ पर सिम इजेक्टर टूल देखने मिल जाता है, कोई गाइड्स वगैरह देखने मिल जाता है, और एक ट्रांसपेरेंट केस देखने मिल जाता है जो कि क्वालिटी काफी बढ़िया देखने मिल जाता है। इस बॉक्स के अंदर यहाँ पर आपको टाइप ए टू टाइप सी केबल देखने को मिल जाता है जो कि क्वालिटी काफी बढ़िया है, कर देते हैं इसको भी साइड में। उसके बाद इस बॉक्स के अंदर हमें एक 80 वॉट का फास्ट सुपर बुक चार्जर देखने मिल जाता है। तो गाइस इस स्मार्टफोन के अंदर सबसे बड़ा हाईलाइटेड फीचर्स में आपको ये बोलूंगा कि इस प्राइस रेंज पर 80 वॉट का सुपर बुक फास्ट चार्जर मिलना ये काफी बड़ी बात है। तो गाइस ये कुछ चीजें जो हमें बॉक्स कंटेंट के अंदर देखने को मिल जाता है। तो गाइस फाइनली ये है फोन Realme 13 Plus 5G। तो गाइस फाइनली अगर हम इस फोन की डिजाइन की बात करें तो वही सेम डिजाइन Realme 12 की तरह ही यहाँ पर कैमरा मॉड्यूल जो है वो सर्कुलर डिजाइन के साथ आता है, बट यहाँ पर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस लाया गया है। यहाँ पर एक गोल सा सर्कल दे रखा है और नीचे की तरफ यहाँ पर जो है आपको Realme का ब्रांडिंग दे रखा है, और ये जो है ये मैट फिनिशिंग के साथ आता है प्लास्टिक, और ये जो फ्रेम है गाइस वैसे तो प्लास्टिक फ्रेम है बट आपको ऐसे पकड़ने में फील आएगा कि एल्युमिनियम फ्रेम है। बट वेट की बात करें तो गाइस ये जो फोन है 185 ग्राम्स की वेट के साथ आता है, और थिकनेस की बात करें तो गाइस फोन जो है वो 7.6 mm थिकनेस के साथ आता है। तो इस प्राइस रेंज पर गाइस ये जो फोन है और भी थोड़ा पतला हो सकता था। वैसे यहाँ पर अगर हम किसी अदर्स इस प्राइस रेंज पर किसी अदर्स फोन से कंपेयर करें तो फोन जो है ऑब्वियसली थोड़ा मोटा है। और नीचे की तरफ आपको स्पीकर ग्रिल और टाइप सी पोर्ट, माइक्रोफोन और सिम स्लॉट देखने मिल जाता है। लेफ्ट हैंड साइड पर बिल्कुल फ्लैट है, कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। राइट हैंड साइड पर आपको वॉल्यूम लॉकर और पावर बटन देखने को मिल जाता है, और ऊपर की तरफ यहाँ पर जो है आपको एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पर 3.5 mm की जैक देखने को मिल जाता है इस फोन के अंदर। उसके बाद यहाँ पर और भी स्पीकर देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर एक नॉइस कैंसिलेशन माइक देखने को मिल जाता है। बाकी गाइस यही कुछ ओवरऑल पोर्टेंस बटन जो है इस फोन के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो गाइस जैसे मैंने इस फोन को ऑन किया है, मैंने एक चीज नोटिस करा है कि इस फोन के अंदर आपको जो है काफी सारे हॉट गेम्स हॉट एप्स देखने को मिल जाता है जिनको आप एक एक करके जो है अनइंस्टॉल भी कर सकते हो। डोंट वरी, इसके लिए कोई टेंशन नहीं है, ऐसे आप जो है एक एक करके अनइंस्टॉल भी कर सकते हो। उसके बाद मैंने गाइस और एक चीज नोटिस करा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं साइड बार आपको यहाँ पर इस फोन के अंदर देखने को मिल जाता है जो कि काफी बढ़िया ऑप्शन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसे खींचने से जो है ये साइड बार निकल कर चला आता है। यहाँ से आप अपने फोन की काफी सारे शॉर्टकट्स चीजों को जो है इस्तेमाल कर सकते हो, एक मिनी विंडोज पर जो है इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर एडिट वाले सेक्शन पर क्लिक करके आप चाहे तो अपने मन पसंदीदार किसी अदर्स एप्स या गेम को भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो, जैसे कि कैमरा को ऐड किया, डन कर दिया। उसके बाद यहाँ पर किसी भी ऐप पर क्लिक करके जो है आप उसी ऐप को जो है मिनी विंडो पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल कंप्यूटर के जैसा एक्सपीरियंस देने वाला है आपको, जो कि काफी बढ़िया काम करता है। तो फाइनली गाइस अब बात करते हैं इस फोन की डिस्प्ले के बारे में। तो गाइस इस फोन के अंदर आपको एक 6.67 इंच वाला एक फुल एचडी प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाता है जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। 2000 निट्स की डिस्प्ले पीक ब्राइटनेस लेकर आता है, और डिस्प्ले जो है 10-bit कलर को सपोर्ट करता है, एचडीआर 10 प्लस भी सेटिस्फाइड है। बाकी गाइस यूट्यूब पर अगर आप कंटेंट वॉच करते हो तो यूट्यूब पर जो है आप 4K 60fps तक की वीडियो प्लेबैक कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो गाइस डिस्प्ले के अंदर बेजल्स वगैरह जो है काफी कम देखने को मिलता है, जिसके कारण व्यूइंग एक्सपीरियंस जो है वो काफी बढ़िया बन जाता है इस फोन के अंदर, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो चलिए गाइस अब बात करते हैं इस फोन की कैमरा की। तो गाइस इस फोन के बैक साइड पर आपको जो है डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। जो मेन कैमरा है वो आपको 50 मेगापिक्सल का सोनी लाइटिया 600 सेंसर के साथ देखने को मिल जाएगा विद वॉइस सपोर्टेड। सेकेंडरी कैमरा आपको जो है मोनो कैमरा के साथ देखने को मिल जाता है, और सामने की तरफ जो है आपको 16 मेगापिक्सल का जो है सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, जिसके थ्रू आप जो है 4K फुल HD 30fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, और बैक कैमरा से जो है आप 4K 30fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो गाइस अब ये वीडियो जो है मैं इसी फोन से 4K 30fps पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, शूट कर रहा हूँ, तो क्वालिटी कैसी है गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं। वैसे गाइस इस फोन से जो है आप फ्रंट कैमरा से Full HD 30fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन गाइस इस वीडियो को मैं 4K 30fps पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ बैक कैमरा से, तो क्वालिटी कैसी है आप देख सकते हैं। पीछे की तरफ से यहाँ से पीछे से जो है सन की फोकसिंग आ रही है, तो मुझे कैसे कैप्चर कर पा रहा है या नहीं ये भी आप अच्छे से देख लीजिए। बाकी ऑडियो क्वालिटी जो है वो भी आप अच्छे से देख लीजिए कि ऑडियो क्वालिटी जो है वो बिल्कुल ओरिजिनल है। गाइस अभी मैं जो है इसकी स्टेबलाइजेशन जो है चेक करके दिखाने वाला हूँ, यानी कि भाग कर दिखाने वाला हूँ कि स्टेबलाइजेशन जो है कैसे देखने को मिल जाता है इस फोन के अंदर हमें। तो चलिए अभी मैं भागता हूँ थोड़ा, और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ऑडियो क्वालिटी जो है वो कैसी देखने को मिल जाता है। तो गाइस आप देख सकते हैं स्टेबलाइजेशन जो है कितना बढ़िया देखने को मिल जाता है इस फोन के अंदर हमें।
उसके बाद गाइस हमने इस फोन से कुछ अलग अलग फोटो भी कैप्चर करी है, कुछ हमने नॉर्मल मोड पर फोटो कैप्चर करी है, कुछ हमने पोर्ट्रेट मोड पर जो है 2x जूम करके भी फोटो कैप्चर करी है, उसके बाद कुछ सेल्फी भी कैप्चर करी है। तो सीरियसली गाइस फोटो के अंदर जो क्वालिटी की बात करें या आप क्लियरिटी की बात करें बिल्कुल नेक्स्ट लेवल वाला है। चीज़ों को जो है काफी नेचुरल रखने की कोशिश करता है, ऐसा नहीं कि ज्यादा बूस्ट कर देता है कलर को। वैसे गाइस मैं अपनी खुद की एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, अगर आप 20-22 हज़ार बजट रेंज पर कोई भी कैमरा स्मार्टफोन की तरफ जाना चाहते हैं तो आप एक बार रियलमी 13 प्लस 5G की तरफ देख सकते हैं। तो चलिए गाइस बात करते हैं इस फोन की परफॉर्मेंस की। तो गाइस इस फोन के तरफ को जो है मीडियाटेक की तरफ से आने वाला मीडियाटेक डायमेंसिटी 7300 एक 4 नैनोमीटर वाला एक एनर्जी चिपसेट देखने को मिल जाता है जो कि 2.5 गीगाहर्ट्ज़ की क्लॉक स्पीड के साथ आता है। और गाइस सिर्फ इतना ही नहीं, रियलमी ये दावा कर रहा है कि इस फोन से जो है आप फ्री फायर हो गया या कॉल ऑफ ड्यूटी हो गया या VGMI जैसे गेम जो है इस फोन पर आप 90 FPS पर खेल सकते हैं। और गाइस ये सब कुछ होने वाला है, एक इस फोन के अंदर एक GT मोड डाल रखा है जो कि आपको 90 FPS तक की गेमिंग करवाने के लिए सक्षम है। उसके लिए आपको करना क्या है, सिंपल सा यहाँ पर आपको नेविगेशन बार पर जाना है और यहाँ पर सिंपल सा आपको यहाँ पर एक GT मोड देखने मिल जाएगा। सिंपल सा यहाँ पर क्लिक करके आपको जो है इसको एक्टिव कर देना है। तो फाइनली गाइस अब ये जो फोन है ये आपको 90 FPS तक की गेमिंग करवाने के लिए सक्षम हो चुका है। और गाइस सिर्फ इतना नहीं, गेमिंग खेलते टाइम अगर आपका फोन गर्म हो जाता है तो इसके लिए यहाँ पर जो है रियलमी ने स्टील वेपर कूलिंग सिस्टम भी डाल रखा है। यहाँ पर आप देख सकते जो कि एक 9 लेयर का वेपर कूलिंग सिस्टम डाल रखा है। ये क्या करेगा गाइस, जब भी गेम खेलते टाइम आपका फोन गर्म हो जाएगा तब ये आपका जो CPU है उसको ये 19 डिग्री से नीचे यानी कि टेम्परेचर को जो है 19 डिग्री से नीचे लाने की कोशिश करेगा। तो यहां पर सीधे-सीधे मेंशन है, आप देख सकते हैं। वैसे गाइस मैंने खुद ट्राई नहीं किया है बट अगर आप लोगों की रिक्वायरमेंट रहेगी तो इस टॉपिक पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियोस लेकर आने वाला हूं तो और रियलिटी आप सभी के सामने दिखाने वाला हूँ कि क्या रियलमी जो दावा कर रहा है वो रियल है या फेक है। और गाइस सिर्फ इतना ही नहीं, गेमिंग के अंदर कोई रुकावट ना आए इसीलिए रियलमी ने क्या किया है, इस फोन के अंदर आपको जो है एक बड़ा बैटरी यानी कि 5000 mAh का बैटरी डाल रखा है और 80 वाट का फास्ट सुपरबुक चार्जर भी दे रखा है। कि गाइस आप सोच सकते हो यानी कि इस टाइम पर जो 40-50 हज़ार बजट रेंज पर जितने भी स्मार्टफोन आते हैं उनके अंदर 80 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिलता है और वही जो 80 वाट का फास्ट फ्लैश चार्जर है वो हमें एक 20-22 हज़ार वाले स्मार्टफोन के अंदर को मिल जाता है। वैसे कि इस इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं ये जो स्मार्टफोन है ये आपको 3 वेरिएंट के साथ देखने मिल जाएगा, 8GB+128GB, 8GB+256GB और 12GB+512GB वेरिएंट के साथ देखने मिल जाएगा। रैम टाइप की बात करें तो LPDDR4X रैम टाइप देखने मिल जाएगा। स्टोरेज टाइप की बात करें तो UFX 3.1 वाला स्टोरेज टाइप देखने को मिल जाएगा। और कि सिर्फ इतना ही नहीं, ये जो स्मार्टफोन है ये आपको IP65 की डस्ट वाटर रेजिस्टेंट के साथ आता है तो थोड़ा बहुत अगर धूल या मिट्टी वगैरह में गिर जाता है या थोड़ा बहुत बारिश के छींटे वगैरह गिर जाता है तो डोंट वरी, स्क्रीन पर अगर पानी वगैरह भी गिरा होता है तो फोन खराब नहीं होगा और उस केस पर ये अच्छे से काम भी करेगा। अगला फीचर्स की बात करें तो डुअल स्टीरियो स्पीकर देखने को मिल जाता है इस फोन के अंदर जो कि साउंड क्वालिटी काफी बढ़िया देखने को मिल जाएगा। इस फोन के अंदर आपको साउंड जो है इस फोन के अंदर आपको 300 प्लस तक की साउंड बूस्टिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है तो साउंड जो है काफी लाउड होने वाला है इस फोन के अंदर। बाकी गाइस कनेक्टिविटी की बात करें तो सभी 5G ब्रांड का सपोर्टेड देखने को मिल जाएगा और ब्लूटूथ 5.4 वाला वर्जन देखने को मिल जाएगा, वाईफाई 6 का सपोर्टेड देखने को मिल जाएगा, NFC का भी सपोर्टेड देखने को मिल जाएगा। तो ये सभी फीचर्स जो है भरपूर के दे रखा है रियलमी वालों ने इस फोन के अंदर, यानी कि गाइस सीरियसली ये जो फोन है ये इस प्राइस रेंज पर एक वैल्यू फॉर मनी सबूत हो जाता है। और इससे भी बड़ी बात गई, ओवरऑल जो इस फोन का स्कोर निकला है ना यानी कि अंततः स्कोर की अगर हम बात करें तो 7.5 लाख के अराउंड कुछ अंततः स्कोर देखने को मिल जाता है इस फोन के अंदर हमें। वैसे गाइस ये जो स्मार्टफोन है ये आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 पर आता है। वैसे सॉफ्टवेयर की बात करें तो रियलमी का जो UI है यानी कि लेटेस्ट वर्जन 5.0 वाला UI वाला वर्जन हमें इस फोन के अंदर देखने मिल जाता है जिसके अंदर हमें जो है 2 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट और 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट भी देखने को मिल जाता है। बाकी गाइस यही कुछ स्पेसिफिकेशन जो है हमें इस स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिल जाता है। वैसे आपको इस फोन को लेकर क्या ख्याल है, क्या सुझाव है, नीचे कॉमेंट करते हुए जरूर बताना। वैसे अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए गाइस चलता हूं, मिलता हूं मैं आपसे किसी अगले वीडियो पर, तब तक के लिए टेक केयर।